गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, वेलकम टू स्किल इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल जो करने जा रहे हैं उसका नाम है हेक्साइंग, यानी कि हेक्सा फ्रेम और ब्लेड की सहायता से मेटल को काटना। तो उसको हमने किस तरह से करना है उसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए हमें जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी वो हमें एक MS फ्लैट की ज़रूरत होगी, और उसके बाद जो है हमें जो पानी कूलेंट के लिए हम यूज़ करेंगे जब हम हेक्साइंग करेंगे, उसके बाद जो टूल एंड इक्विपमेंट है उसके लिए हमें एक ट्राई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अलावा एक हेक्सा ब्लेड की और उसके साथ में हेक्सा फ्रेम की। तो इन टूल्स की जो है हमें इस प्रैक्टिकल को करने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारा इस प्रैक्टिकल को करने के लिए वो आता है मेटल को मार्किंग करना। जैसे कि आप इसमें वीडियो में देख रहे हैं कि इस ये जो मेटल जब कटी हुई है तो टेढ़ी कटी हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है आपने इसको जो है वो राइट एंगल की सहायता से जो है पहले इस सिरे को जो है वो राइट एंगल करना है। तो इस तरह से, जैसा कि आपको पता है कि ट्राई स्क्वायर से जो है हम 90 डिग्री जो है वो चेक करते हैं, तो आपने इस तरह से जो है वो ट्राई स्क्वायर को रखना है। और दूसरा जो टूल था आपका, ये मेरे हाथ में था इसलिए मैं बताना भूल गया, इसको बोलते हैं हम स्क्राइबर, और इसको जो है इसकी सहायता से जो है मेटल के ऊपर जो है वो मार्किंग करते हैं। तो इस तरह से ट्राई स्क्वायर को रख के जो है वो आपने इसको पहले राइट एंगल करना है, इस सिरे को आपने बराबर करना है पहले अच्छी तरह से आपने, ताकि आपको ये निशान जो है वो अच्छी तरह से दिख जाए। तो यहाँ पे जो है ये हमने राइट एंगल कर लिया, क्योंकि अगर हम इसको नापेंगे तो आपका साइज़ जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम इसको काटेंगे, उसके बाद जो है वो हम यहाँ से हमने 50 mm का ये जो है पीस काटना है। तो जब भी आपने पीस को काटना है तो 50 mm जो है वो आपने नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको किसी भी कंपनी से अगर आता है कि आपने ये टूल जो है वो आपने 50 mm बनाना है, तो अगर आप 50 mm ही इस जॉब को काटेंगे तो हो सकता है कि जब आप पहली बार हेक्साइंग का प्रैक्टिकल करें तो आपका एंगल जो है वो गलत हो जाए, यानी कि यहाँ से आप 50 काटें लेकिन दूसरे का सिरा जो है वो आपका 48 के ऊपर पहुँच जाए, तो ये जो पीस है आपका ये वेस्ट हो जाएगा। उस पीस से आप 50 mm का पीस जो है वो या टूल जो है वो नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमने जब भी मार्किंग करनी, इसके बाद की जो मार्किंग करनी हमने 50 mm, तो उसके बीच में हमने कम से कम 2 या 3 mm का जो है वो मार्जिन लेके चलना है, ठीक है। यानी कि अगर 50 mm आपको जॉब तैयार करनी है तो आपने 53 यानी कि 53 mm जो है उसको मार्किंग करनी है, ताकि अगर आपका थोड़ा बहुत जो अगर ये टेढ़ा भी कट जाता है तो भी आपका फाइलिंग करने के बाद जो है ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो 50 mm का जो है वो तैयार हो जाए। तो सबसे पहले जो है हम इस हेक्साइंग को करेंगे, फिर उसके बाद इसकी मार्किंग करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से हम मार्किंग करेंगे तो हमें एग्जैक्ट जो है वो मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हेक्साइंग करने के लिए हेक्सा ब्लेड को जो है वो मेटल के सख्तपन के हिसाब से जो है वो चुनना है, क्योंकि ये जो ब्लेड है ये अलग अलग मेटल के ऊपर जो है वो अलग अलग तरह का ब्लेड जो है वो यूज़ किया जाता है। ये आपको ऑलरेडी थ्योरी में जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो इसको जो है जब हम ब्लेड को फिट करते हैं हेक्सा फ्रेम के अंदर, तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो ब्लेड है इसके ये आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने हैं, इस तरह से, यानी कि आगे की तरफ को जो है वो ब्लेड, जैसे ये आपका हैंडल है तो हैंडल के फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आगे की तरफ को जो झुकाव है इनका ब्लेडों का दांतों का, ये आगे की तरफ को होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये पिन को जो है वो थोड़ा सा बाहर निकालना है, और ब्लेड का जो दांते हैं इसको आपने आगे की साइड को रखना है। और इस पिन को जो है वो उस तरह से आपने होल से अंदर जो है वो दबा देना है, और फिर उसके बाद इस नट को क्या बोलते हैं, फ्लाई नट, गुड, विंग नट, ठीक है, विंग नट भी हम इसको बोलते हैं। और ये वहाँ पे लगा होता है जहाँ पर हमने हाथ से जो है वो नट को जो है वो बार बार टाइट करना हो, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो एक लिमिट तक जोर लगा के जो है वो टाइट करना है, अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो भी आपका ब्लेड जो है वो टूट जाएगा, और ढीला रहेगा तो भी आपका ब्लेड जो है वो टूट सकता है, ठीक है। तो आपने एक की लिमिट जो है वो इसको, ताकि ब्लेड जो है वो आपका सीधा रहे, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो हेक्सा ब्लेड की सहायता से जो है वो टाइट करना है। उसके बाद आपका ये जो जॉब है जहाँ पे आपने निशान लगाया हुआ है, इस जॉब को जो है आपने वाइस के अंदर जो है वो बांधना है, इस वाइस को बोलते हैं हम बेंच वाइस, ठीक है। और इसको फिट करती बार जो है वो आपने इस दिए हुए निशान को जो है, ये जो हमने मार्क किया हुआ है इसको जो है हमने कम से कम 4 या 5 mm जो है वो
बाहर रखना है वाइस के जॉ से, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा बाहर बांधते हैं तो जब हम हेक्साइंग करते हैं तो आपका हेक्सा ब्लेड जो है वो आगे पीछे जो है इससे इसके साथ ही ये जॉब जो है वो मूव करती है, जिससे भी आपका ब्लेड जो है वो टूटने के जो चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसको आपने जो है वो कम से कम जो है वो आपने वाइस के जॉ से जो है वो बाहर रखना है, ताकि आपको हेक्सा फ्रेम चलाने में भी कोई दिक्कत ना आए और ये जॉब भी जो है वो आगे पीछे हेक्साइंग करती बार जो है वो मूव ना करे, ठीक है। और उसके साथ में आपका जो उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो आता है हमारा जो आपने निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर जो है वो आपने, या अगर ट्रायंगुलर फाइल है अगर आपके पास तो आपने ट्रायंगुलर फाइल से जो है वो यहाँ पर निशान लगाना है, अगर ट्रायंगुलर फाइल नहीं है तो आपने जो है वो हेक्सा फ्रेम को जो है और ब्लेड को जो है वो इस तरह से अंगूठा रखना है पहले निशान के ऊपर और फिर जो है वो आपने हेक्साइंग करनी है। और जब आपका निशान ये लग जाए तो उसके बाद जो है आपने दोनों हाथों से हेक्सा फ्रेम को पकड़ते हुए जो है वो हेक्साइंग करनी है, और हेक्साइंग करती बार जो है वो आगे की तरफ को जो है दबाव ज़्यादा देना है, और जब आप बैक साइड को खींच रहे हैं तो दबाव जो है वो कम रखना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वो होता है हमारा कि फुल लेंथ को जो है वो आपने यूज़ करना है हेक्सा ब्लेड की। कई क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, हम बिल्कुल बीच की जो है वो लेंथ जो है वो यूज़ करते रहते हैं बार बार, तो उससे क्या होता है कि एक ही जगह के आपके ब्लेड जो हैं जो दांते हैं वो ख़राब होते हैं, तो आपने फुल लेंथ का जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले जो है हम यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइल से जो है वो निशान लगाएंगे, और अगर ट्रायंगुलर फाइल नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अंगूठा रख के जो है वो हेक्सा ब्लेड के भी से भी आप निशान जो है वो लगा सकते हैं। तो आपने ये जो मार्किंग की हुई है यहाँ पर आपने ट्रायंगुलर फाइल से जो है वो हल्का सा जो है कट लगा लेना है, ताकि आपके हेक्सा ब्लेड को बैठने के लिए जो है वो जगह मिल जाए। और अगर जैसा कि मैंने बताया अगर आपको आपके पास ये ट्रायंगुलर फाइल नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है वो इस तरह से अंगूठा रखेंगे और साथ में ही हेक्सा फ्रेम को रखेंगे और फिर हेक्साइंग जो है वो शुरू करेंगे, और साथ साथ में जो है कूलेंट के लिए जो है वो आप पानी जो है वो एक इस तरह की बोतल में जो है वो पानी ले लेंगे, या छोटी बोतल है तो उसमें भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो छेद कर लें और पानी को जो है वो आपने ड्रॉप करना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और नीचे जो है आप एक ट्रे रख लें ताकि यहाँ से घिराया हुआ पानी जो है वो ट्रे के अंदर जो है वो इकट्ठा होता रहे, और इसका बुरादा भी जो है वो इसके बीच में इकट्ठा होता रहेगा, और वर्कशॉप भी जो है वो आपकी गंदी नहीं होगी, और साथ साथ में जो जब आप हेक्साइंग करेंगे तो पानी जो है वो आपने फेंकते रहना है। और हेक्सा फ्रेम की पूरी लेंथ को जो है वो इस तरह से यूज़ करना है, और नज़र जो है वो आपने जो मार्किंग की हुई है आपने उस मार्किंग के ऊपर जो है वो आपने पूरी नज़र रखनी है, ताकि आपका कट जो है वो गलत ना लगे। और हमेशा हेक्सा फ्रेम को जो है वो दोनों हाथों से पकड़ना है, एक हाथ आपका यहाँ पे होना चाहिए और दूसरा हाथ जो है वो हैंडल के ऊपर होना चाहिए, तो इस तरह से आपने इसको चलाना है। और इस प्रैक्टिकल को हम बोलते हैं हेक्साइंग, ठीक है। जो हम हेक्सा से किसी जॉब को काट रहे हैं तो उस प्रैक्टिकल को कहते हैं हम हेक्साइंग, ठीक है, यानी कि हेक्से द्वारा जो है वो किसी मेटल को जो है वो काटना, ठीक है। जब जॉब जो है वो लास्ट में कटने वाली हो तो उस टाइम जो है वो आपने
स्पीड जो है वो कम कर लेनी है, और अगर जॉब दूसरी साइड से अगर लंबी है तो उसको जो है अपने हाथ से पकड़ लेना है। अगर स्पीड आप ज़्यादा रखेंगे तो आपका ब्लेड जो है वो टूट सकता है, इसलिए जब आपकी जॉब कटने वाली हो तो आपने स्पीड जो है वो कम रखनी है। और इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 40 से 50 स्ट्रोक जो है वो आपने एक मिनट के अंदर जो है वो लगाने होते हैं। तो इस तरह से हमने इसको राइट एंगल, तो ये जो जॉब का तिरछा हिस्सा था इसको हमने राइट एंगल में काट लिया है। और इस राइट एंगल में काटने के बाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर हम उस तिरछे हिस्से को नपाई करते तो ये जो है वो एक सिरा जो है वो बड़ा हो जाना था और एक सिरा जो है छोटा हो जाना था। तो हमने जो है उस तिरछे हिस्से को जो है वो 90 डिग्री में कर लिया है। उसके बाद जो है हमने इसको 50 mm का जो है वो पीस काटना है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि अगर हमने जॉब को 50 mm तैयार करना है तो हमने 50 mm के ऊपर ही मार्क नहीं करना है, इसको हमेशा जो है वो आपने 52 या 53 mm जो है वो उसको मार्क करना है, क्योंकि जब हम पहली बार हेक्साइंग करते हैं तो हमारा कट जो है वो टेढ़ा भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 50 के ऊपर ही मार्क करेंगे, एक साइड से अगर 50 से आप स्टार्ट करेंगे तो दूसरे के ऊपर हो सकता है आप 48 के ऊपर आ जाएं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो मार्क करना है आपने लगभग 53 mm या 54 mm भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपने स्क्राइबर से जो है वो मार्क कर लेना है लगभग 53 mm के ऊपर, और उस मार्क को जो है वो आपने फिर राइट एंगल से जो है वो निशान को जो है वो लगा लेना है। तो ये मार्जिन जो है वो आपने हेक्साइंग करती बार जो है वो जरूर रखना है। अगर आप मार्जिन नहीं रखेंगे और पीस जो है वो आपका टेढ़ा कट जाता है तो आपका पीस जो है वो ख़राब हो जाएगा, इससे आप जॉब जो है वो तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हमने इसकी हेक्साइंग करनी है, जैसे कि मैंने पहले बताया है हेक्साइंग करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। वॉइस के अंदर इसको बांधना है आपने, और वॉइस में बांधती बार जो है वो वॉइस जो है वो आपके जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होनी चाहिए, जो आपने निशान लगाया है उस निशान को इससे जो है वो थोड़ा जो है वो बाहर रखना है आपने, ताकि आपको निशान जो है वो अच्छी तरह से दिखता रहे। ये निशान जो है वो आपने अपनी तरफ को रखना है, जिस तरफ से आप हेक्साइंग कर रहे हैं उस साइड में रखना है आपने, ठीक है। दोनों साइडों में लगाना चाहें तो दोनों साइडों में भी आप निशान जो है लगा सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ जहाँ से आप खड़े हैं उस टाइम में जो है उस साइड में आपका निशान जो है वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब आप हेक्साइंग कर रहे हैं तो आपका निशान जो है वो आपको दिखता रहे, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर कैसे मार्क किया था, पहले हमने ट्रायंगुलर फाइल से, ठीक है। तो ट्रायंगुलर फाइल अगर नहीं है तो कैसे लगाएंगे कट, अंगूठा रख के, ठीक है। पर जो है वो आपने ट्रायंगुलर फाइल से जो है वो हल्का कट लगा लेना है, ताकि आपको हेक्साइंग करने के लिए जो है वो अच्छा ठीक रहे। अगर आपके पास ट्रायंगुलर फाइल नहीं है तो आप इस तरह से अंगूठा रख के जो है वो हेक्सा ब्लेड से भी जो है वो निशान लगा सकते हैं। हल्का सा कट लगाने के बाद जैसे आपको लगे कि ये कट में जो है वो ब्लेड चलने शुरू हो गया है, उसके बाद जो है वो आप पूरी लेंथ का जो है वो यूज़ करेंगे, और साथ साथ में जो है वो पानी ड्रॉप करते रहें ताकि आपका ब्लेड जो है वो गर्म ना हो। और इसी तरह से आपने ये पूरा पीस जो है वो काटना है। What?
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको लगभग 53 mm जो है वो काटा है और हमने ये तैयार करना है 50 mm। तो अभी अगला जो प्रैक्टिकल है इसी जॉब के ऊपर हम करेंगे फाइलिंग का, जिससे हम इसको 90 डिग्री में सारी साइडों में जो है वो राइट एंगल से जो है वो फाइल करेंगे और राइट एंगल से चेक करेंगे कि ये 50 mm का जो है हमने तैयार करना है। तो ये सभी साइडों में जो है हमने फाइलिंग करनी है। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि हैक्साइंग कैसे करते हैं, यानी हैक्सा ब्लेड और फ्रेम की सहायता से जो है किसी जॉब को किस तरह से काटते हैं, और इस प्रैक्टिकल को आपने कॉपियों के अंदर कैसे लिखना है, इसकी PDF फाइल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो वहाँ पर जाके आप इस प्रैक्टिकल को अपनी कॉपियों में भी लिख सकते हैं कि क्या क्या कैसे प्रोसीजर जो है हमने अपनाना है, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो सारा उस PDF फाइल के अंदर जो है वो होगा। और इससे पहले के भी जो वीडियो बने हुए हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, उनमें भी मैं कोशिश करूँगा कि एक PDF फाइल जो है वो उसमें बना के जो है उसमें डाल दूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकल लिखने में भी जो है वो सहायता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।